गुड इवनिंग साथियों, गुड इवनिंग, बहुत बहुत गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? कमेंट आ रहा सभी बच्चों के। पूनम देवी, आपका कमेंट दिख रहा है। मुकेश परमार, हर्ष और हीना साहू, ठीक है, कमेंट दिख रहा है। बिपिन का कमेंट आ रहा है, आर्यन लबर का कमेंट आ रहा है, भैया एल एस वर्मा, सबके कमेंट्स लगभग मुझे दिख रहे हैं। सभी बच्चे जुड़ चुके हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार पीवीआर स्टडी में। तो प्यारे बच्चों, आप लोग जल्दी से इस क्लास को लाइक करके बताओ कि आप आ गए हो, फटाफट, बहुत जल्दी। प्रीति विश्वकर्मा गुड इवनिंग, कुलदीप कुमार गुड इवनिंग, ए के अनूप गुड इवनिंग, अखंड प्रताप मिश्रा गुड इवनिंग, अनंत तिवारी गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। चलो शुरू करते हैं फिर आज का ये प्रोग्राम। आप लोग तैयार हो? बोलो यस, तैयार हो ना। चलो तो ये बताओ मुझे सबसे पहले, किताब उताब लिए हो चाचा? और चाची लोग को भी लेके आए हो, अकेले आए हो? जल्दी बताओ सभी। हाँ, सबका कमेंट दिख रहा है, ये लो मैं इधर ही इसको कमेंट वाला ले लेता हूँ हाथ में। हाँ भाई राज मीणा कमेंट आ रहा है आपका, हरिकेश यादव कमेंट आपका भी आ रहा है। गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग। विकास प्रजापति गुड इवनिंग, बंटी सिंह गुड इवनिंग, अनुराग जी गुड इवनिंग, आराधना कुमारी गुड इवनिंग। देखो बच्चों, सभी के नाम यहाँ पे बोल पाना संभव नहीं होता है, लेकिन आप लोग पहले कमेंट जो करते हैं उनका लगभग हम बोल दे हैं। और कभी कभी किस्मत और कर्म के आधार पे भी होता है कि मैं उधर मुड़ी घुमाया और तुमने कमेंट किया, मुझे नज़र आ गया, बोल दिया। तो ठीक है, रेगुलर क्लास में रहोगे तो ज़रूर बोला जाएगा। और वैसे भी बोला जाए या ना बोला जाए, आप क्लास में हो, क्लास आपकी है, हाँ पढ़ना है आपको। चलिए ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे। तो आप सभी से एक अनुरोध है कि इस क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिए, तुरंत अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। सभी जो भी बच्चे अभी सो रहे हैं उनको जगा के ले आइए कि उठ बे चल पढ़, मतलब समझ रहे हो ना, क्लास का टाइम हो गया है, आओ सभी। चलो भागीरथ चौधरी, नितिन आ गए हो सभी बच्चा? चलो ठीक है। तो क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाया हूँ, बहुत ही शानदार हैं ये सब। कहाँ गए भाई, खुल जा खुल जा, सिम सिम खुल जा खुल जा। सुने हो कि नहीं, ये कहानी है ना, एक 2.5 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट से शुरू करना है। गुलाम मोहम्मद अंसारी गुड इवनिंग भैया, अंसारी जी ठीक हो ना? सुबह में यादव गुड इवनिंग, सभी साथियों और साथिनियों को गुड इवनिंग। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। सारा दुकान लग गई है, बस दिखाना है आप लोगों को। अरे मतलब यही सब सामान इधर उधर सेटलमेंट करना पड़ता है टेबल के सामने। देखो प्रतिदिन शाम को 7 बजे से आपका ये क्लास होता है बेस, मतलब 9th वाला। और जो भी बच्चे इसमें जुड़ते हैं, हमारी गारंटी है कि अगर तुम रेगुलर बेटा देख रहे हो, क्लास को पूरा एंड तक देख रहे हो, क्लास को बीच में छोड़ के ना जाना, सीरियसली पढ़ना। मैं तुमको 4 थप्पड़ मार के रोक तो नहीं पाऊँगा, क्योंकि तुम जब चाहो भाग जाओगे, मोबाइल तुम्हारी, इंटरनेट तुम्हारा है। ऑफलाइन क्लास में बच्चे अनुशासित रहते हैं, जब तक क्लास ख़त्म नहीं होती तब तक जाते नहीं, भले सुस्तू लगी है पैंट में कर लें, हाँ रोके रहते हैं लेकिन जाते नहीं हैं। लेकिन ऑनलाइन में क्या, नहीं लगी है तब चले गए झूठे, तो जाना नहीं, बैठे रहना पूरा टाइम। चलो आज ये कौन सा पार्ट है लाइव में? आज ये 23 नंबर पार्ट है ना बच्चा? हाँ मनोज यादव, मज़ा आ रही ना? हाँ हाँ, सच्चा बोल रहा हूँ मैं, गलत नहीं बोल रहा हूँ। अखिलेश गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक मिनट भाई, क्वेश्चन शुरू करूँ उसके पहले इसमें लिंक कॉपी करके दे देता हूँ इसी क्लास का। कुछ बच्चों का वीडियो नहीं चल रहा है, मैंने सही कहा ना कि गलत नहीं कहा ना? ठीक है चलो, जिनका वीडियो नहीं चल रहा है दी गई लिंक पे क्लिक करें, तुरंत चलने लगेगा। देखो मैं कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, जिनका वीडियो नहीं चल रहा है क्लिक करें, चलने लगेगा। एक मिनट रुक जा बे, दिमाग का एक डिस्टर्ब किया है। जिनका वीडियो नहीं चल रहा है दी गई लिंक पे क्लिक करें, चलने लगेगा। सभी आ गए हो भाई? सभी आ गए हो ना? हाँ देखो कुछ मैंने देखा कमेंट करने के नहीं चल रहा है, इसलिए मैं उनको लिंक दे रहा हूँ।
सीमा यादव गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। गाय को बजा रहा है, पुआ पुआ कर रहा है। हर्षित सिंह गुड इवनिंग। चल गया सबका वीडियो का भाई? चल गया ना बाबू, सबका वीडियो चल गया ना? रवि शंकर आ गए हो? ठीक है, इन चेलो चपाड़ियों को संभालना, फालतू के जो ज़्यादा रोमांस में डूब जाएंगे उनको ब्लॉक करना। चलो, गर्मी बहुत लग रही है आज, पसीना निकल रहा है, लेकिन थोड़ा बुखार वगैरह भी है, अंदर से माहौल गड़बड़ है, इस वजह से पंखा वंखा कुछ नहीं चल रहा है। तो बच्चा आज आपका लाइव नंबर है बेटा 23, क्लास 9, NCERT मैथ। NCERT बच्चा देखो, जो लोग का बहुत सारा कमेंट करते हैं कौन सी प्रकाशन है, कौन सी राइटर है, तो बेटा देखो, जो मुख्य NCERT होती है, जो CBSE के पैटर्न में होती है, अगर आप CBSE का बुक ले लो तो उसमें भी तुम्हें यही मिलेगा। तो इसमें तुम्हें राइटर और प्रकाशन से कोई मतलब नहीं है, जो मेन NCERT बुक है उसी से पढ़ाया जाता है। इसका कॉन्सेप्ट अगर तुम सीख जाओगे तो तुम प्राइवेट वाली में कोई भी बुक से कर सकते हो, कोई भी बुक से कर सकते हो, सब में से हो जाएगा, लेकिन तू पहले कॉन्सेप्ट सीख जाओ तब। भाई क्लियर हो जा, हो गया, चलो चला जाए, फिर शुरू करा जाए। चलो, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चा, और सेकंड का सेकंड पार्ट है बेटा। देखो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे है, 95x96 कह रहा है, इसको डायरेक्ट गुणा किए बिना इसका मान ज्ञात कीजिए, मतलब सर्वसमिका की सहायता से मान ज्ञात करना है। कैसे करना है? सर्वसमिका की सहायता से मान ज्ञात करना है। तो बेटा कल मैंने तुम्हें एक सूत्र लिखवाया था, हाँ वो सूत्र का था, मैंने कल ही लिखवाया था, तुम्हें सबको पता होगा। देखो मैं बताता हूँ कैसे करना है, इसको तुम लिख सकते हो 100-5, और इसको तुम लिख सकते हो बेटा 100-4। क्यों भैया, लिख सकते हैं कि नहीं पहले मुझे ये बताओ, इसमें कोई बुराई तो नहीं है ना? हाँ, इसमें कोई सामाजिक समस्या तो नहीं होगी अगर हम ऐसे लिख देंगे तो? इनको भैया 100 है, 100 को हम, अरे चाचा ये 96 है, इसको हम लिख दें 100-4, तब क्या हुआ? वही तो होगा ना, हाँ इसमें से घटाओगे तो 96 तो आएगा ना, तो मतलब तो वही हुआ ना, मतलब वही हुआ ना। चलो अंकुर राजा, हाँ भाई अंकुर राजा बहुत करीब पहुंच गए हो तुम, चलो अब पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो बाबू अब। चलो तो अब देखो, कल मैंने आपको एक सर्वसमिका बताया था, वो सर्वसमिका क्या थी, यहाँ समझो, इधर लिख सकता हूँ जगह है, लिख तो सकता हूँ लेकिन उधर थोड़ा सा मुझे समेटना पड़ेगा, चलो कर देता हूँ। देखो बच्चा, कल मैंने बताया था यक्स प्लस ए और यक्स प्लस बी इक्वल, ये आपका एक सूत्र होता है, किसी को याद है तो बोले यस, कितने ऐसे गधे हैं जिनको याद है, बताओ जल्दी बताओ, याद है तुम्हें? अरे गधे तो मैं प्यार से बोल रहा हूँ भाई, अच्छा सॉरी। चलो ये होता है एक्स का स्क्वायर ए प्लस बी यक्स और ए इंटू बी, ये सूत्र होता है, सर्वसमिका होती है। एक बार फिर से सुन लो मैंने क्या लिखा है, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल एक्स का स्क्वायर प्लस ब्रेकेट में है ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, ठीक है? आज आवाज़ सही नहीं होगी यार वीडियो की, दत्त तेरी की। तुम लोग ने बताया नहीं, आज वीडियो की आवाज़ नहीं सही थी, क्योंकि बाहर का शोरगुल भी उसमें रिकॉर्ड हो रहा था, अब सही हुआ। देखो वॉइस में चेंजिंग हुआ ना, चलो देखो समझो। तो बच्चा क्या करेंगे, इसमें हम मान रखेंगे, ठीक है, रेडी हो? यहाँ पर देखो मान लेंगे, अब हम क्या मानेंगे, यक्स की जगह पे बेटा 100 और ए की जगह पर क्या है, देखो माइनस का 5 है, याद रखना यहाँ पे जो चिन्ह लगा है गिनती के पहले वही रहेगा, जो गिनती के पहले चिन्ह लगा है वही रहेगा।
देखो सरसराहट खत्म हो गई ना, चलो तो ए का मान माइनस में 5 आएगा और बच्चा बी का मान क्या आएगा, माइनस का 4। याद रखना जो चिन्ह लगा है गिनती के पहले वही इसका मान होगा। तो बेटा यहाँ पे सारे मान रख दो, इधर यक्स की जगह पे 100 और प्लस की जगह पे प्लस, ए ए की जगह पर रखोगे बेटा का माइनस का 5, क्या रखोगे? अबे भाई कहाँ पहुँच गए हम लोग, इसका मान रखने से तो कोई मतलब ही नहीं ना, इसके फॉर्म में तो ये दिया ही है, रख दो फिर भी तो कोई मतलब नहीं है, हमें सीधा सीधा इसका मान रखना है। किसका? ये इतने का मान रखना है, इसी को मान रख के तो निकालना है। हाँ तो चलो रखते हैं 100 की जगह पे, मतलब यक्स की जगह पे 100 और प्लस ए की जगह पे बेटा माइनस का 5। तो ए की जगह पर देखो माइनस का 5 रखो, कोष्ठक ऐसे लगा लो मझला वाला, माइनस का 5। जहाँ पर बी है ध्यान देना, बी का मान माइनस 4, यहाँ से देखो बहुत ध्यान से समझो तब समझ में आएगा बेटा, ठीक है बहुत ध्यान से समझो। तो ये माइनस का, ये प्लस पहले से है तो ये प्लस रहेगा, माइनस का 4 ऐसे, और ये कोष्ठक बंद हो जाएंगे, दो कोष्ठक लगेंगे हाँ, इंटू एक्स का वैल्यू 100 और फिर प्लस ए इंटू बी, ए का मान है बेटा माइनस 5 और बी का मान है माइनस का 4। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, उधर कैमरा थोड़ा सा मुझे लग रहा है करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन जो है वो ओवर जा रहा, बाहर निकल रहा है, तो रुक जा भाई, जाएगा कहाँ तू भाग के, ये लो। चलो अब इनको हमें हल कर लेना है, मुझे कोई उत्तर बताएगा इसका जल्दी से, कोई ऐसा खिलाड़ी है जो सबसे पहले बता दे? विकास कुमार बहुत अच्छे बेटा, पंकज स्टेटस, पंकज बेटा तुम कहाँ से आ गए पहले ये बताओ, गलती से जुड़े हो का, क्लास को थोड़ा पीछे कर लो। देखो 100 का स्क्वायर करोगे बच्चा 10,000 आएगा और प्लस ये 5 और 4 तुम्हारा क्या हो जाएगा पता है तुम्हें भाई? ये माइनस है और ये प्लस है, ये ऐसे कुछ है, ऐसे कुछ है, ये कोष्ठक खुलेगा तो ये 4 हो जाएगा, फाइनल में बचवा इन माइनस का 9 आएगा, कितना आएगा माइनस का 9 आएगा, जब 100 का गुणा होगा तो 900 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा, वो भी माइनस में रहेगा याद रखना, और फिर इधर पीछे साइड में प्लस, याद रखना बेटा ये माइनस और ये माइनस दोनों माइनस, 5 भी माइनस में है 4 भी माइनस में है, गुणा होगा दोनों प्लस हो जाएंगे, यानी चोर चोर आपस में मिलेंगे तो दोस्त बन जाएंगे। हाँ एक ही चोर मिल गया, एक ही सिपाही मिल गया, तब तो दोस्त तो नहीं बनना चाहिए, लेकिन कलयुग में वो भी दोस्त बन जाते हैं। हाँ चल बेटा तुम चुरा के लाना, मुझे भी खिलाना, तो प्लस ये 20, समझ में आया ना सबको? देखो अगर कोई समस्या है तो बिल्कुल निसंकोच बताना। पंकज बहुत अच्छे, पंकज राज एंड कार्तिक रावण, ये इनका नाम है इतना बड़ा, शर्माना नहीं। चलो तो भैया ये आपका हो जाएगा फाइनल में, ये 900 प्लस का 20, तो बेटा ये प्लस और ये प्लस जुड़ जाएगा आपका, ये 00 20 माइनस 900, फाइनल में इसमें से जब हम 900 घटाएंगे तो 9120 आएगा, 9120 आएगा कि नहीं, घटा के देख लो, गलत होगा तो बता देना मैं भी देखूँगा। पंकज भैया सही है हाँ, आहे राजा सुना इधर ही पहले, तुम लोग जो इसको पहले घटा ले रहे हैं वो तरीका सही नहीं है, तुम प्लस प्लस जोड़ोगे पहले, ठीक है पहले प्लस प्लस जोड़ोगे घटाओगे बाद में। स्क्रीनशॉट ले लो इधर वाला मान का भी, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो या ना लो, मेन तो यही है, जल्दी करो स्क्रीनशॉट ले लो तुरंत, मैं मिटाऊंगा क्वेश्चन, इसको रफ करूंगा, टाइम नहीं है, डू फास्ट जल्दी करो, मैं भी झांकूं, मेरी भी फोटो आनी चाहिए भाई, नेता लोग आज 5 रुपये का झोलन 10 रुपये का अनाज दे रहे हैं तो फोटो खिंचवा रहे हैं लगा के, हाँ मतलब फोटो अलग से लगाएं, पहले छापे खिंचवा अलग से रहे, तो हम तो ये पता नहीं कितना रुपये का दे रहे हैं। हाँ चलो खींचो जल्दी करो, हो गया रिसालक
रिसालत अली भाई, रिसालत जी नाम आपका बड़ा कठिन है इसलिए माफ़ी चाहते हैं, पढ़ नहीं पाते ज़्यादा अच्छी इंग्लिश। चलो तो अब मैं ये मिटा रहा हूँ, इसका थर्ड पार्ट ये बताओ कौन कौन कर लेगा। क्यों भाई इसका थर्ड पार्ट कौन कौन कर लेगा? रूबी द्विवेदी, तुम्हारा कमेंट तो बड़ा चौचक आ रहा है, मतलब समझ रही हो चौचक का मतलब, सबसे ज़्यादा आ रहा है। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आओ। इसका थर्ड पार्ट देखो, 104 × 96 बेटा इसका आंसर कर लोगे कि नहीं मुझे बताओ। देखो डायरेक्ट गुणा नहीं करना है, इसका डायरेक्ट मल्टीपल नहीं करना चाचा, नहीं गुणा कर लो इसे। देखो थोड़ा वाइट दिख रहा है ज़्यादा का, मुझे लग रहा थोड़ा चमक ज़्यादा है और तुम लोग बता नहीं रहे हो, मैं खुद को गोरा दिखाने के चक्कर में बोर्ड को गोरा कर दिया हूँ भाई, ज़्यादा नहीं। चलो कितना आएगा? संजय कुमार, ये लेसन है 2.5 है बेटा, 2.5 है, क्लास 9th का एनसीईआरटी बुक है, जो मुख्य एनसीईआरटी होती है। अगर बात करें सीधा सीधा शब्दों में तो जो सीबीएसई वालों में लगता है, और हाँ ये सभी बोर्ड के लिए है, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, छत्तीसगढ़, झारखंड, कोई भी बोर्ड है तुम्हारा, पाठ्यक्रम तुम्हारा वही होता है, ठीक है, पाठ्यक्रम वही होता है। समझो ध्यान से, समझो समझो मगर ध्यान से, देखो मगर प्यार से, देखो समझो। इसको तुम लिख सकते हो बच्चा 100 + 4, बोलो सही है, इनटू इसको तुम लिख सकते हो 100 - 4, बोलो सही है। ये तो बहुत आसान है चाचा, ये तो बहुत आसान है, हाँ हलुआ एकदम। इसको मैं फालतू लगाए रहता हूँ काट का चश्मा। खुशी सिंह तुम्हारा कमेंट तो छप्पर फाड़ के आ रहा है, समझ रही हो ना? देखो ये एक्स प्लस ए हो गया भाई साहब, ये यक्स माइनस ए हो गया, और देखो बच्चा ए प्लस बी, ए माइनस बी तुम पढ़े ही थे बचपन में, अब जवानी में आ रहे हो धीरे धीरे बुलाए जा रहे हो, यही तो बनेगा। हाँ यक्स की जगह पे 100 और ए की जगह पे 4, फाइनल में हो गया 10,000 - 16, 9,984। कितना आया? 9,984। संकेत कुमार का चाचा आ रहा कुछ समझ उमझ में? समझ में आ रहा है ना, तो क्लास को लाइक करो, फिर काहे को देर कर रहे हो इतना भाई। देखो सभी जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं, हम सभी का बहुत बहुत वेलकम करते हैं अपने परिवार पीवीआर स्टडी में, तो बेटा क्लास को लाइक करना ना भूलना, जल्दी जल्दी से लाइक करो, तुरंत देर ना करो, फटाफट, एक भी सेकंड का देर नहीं सह जाता अब भाई। हाँ जल्दी लाइक करो, तुरंत करो तुरंत। चलो रविशंकर बहुत अच्छे रविशंकर जी, वेरी गुड वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। सत्यम विमल, नीरज बच्चा जो पढ़ा रहे हैं उसको तो तुम पढ़ नहीं रहे हो। हाँ चलो हो गया। राजकुमार चौरसिया 2.5 है, काठ का चश्मा लगा लो, तुम्हें दिखेगा मैं कहीं लिखा था, मुझे तो नहीं दिख रहा है। 2.5 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ठीक है, एक्सरसाइज 2.5। अच्छा एक बात बताओ, जितना मैंने पढ़ाया तुम्हारे दिमाग में कुछ घुसा? अरे मतलब 1% घुसा कि नहीं, कुछ समझ में आया? एक खुशिया तो कभी समझ में आवाज नहीं, जो सबसे ज्यादा उत्पात मचाता है उसका नाम ऐसे बोलेंगे। देखो कमेंट में इतना कमेंट कर रहा है, इतना कमेंट कर रहा है कि मतलब इनके कमेंट के अलावा किसी का ना दिखे। तो थर्ड क्वेश्चन में आ जाओ बच्चा, थर्ड क्वेश्चन में आ जाओ। वर्षा सिंह 100% घुसा, एक बार कान में रुई डाल लो, निकल नहीं ना पाए, जैसे कुछ लोग कहते नहीं एक कान में सुना एक कान से निकल गया,
जिसे बोल लेना पाए, एक कान बंद किए रहो। चलो एक से सुनो, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो। क्वेश्चन नंबर थर्ड, NCERT की जो मुख्य किताब है बेटा, अगर उसमें से पढ़ लिए तुम और तुमने क्लियर कर लिया सब, ये बता रहा हूँ, गारंटी है हमारी कि कभी तुम्हारा गलत नहीं होने वाला। एग्जाम में 100% करके आओगे, चाहे इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, कोई भी मीडियम से हो। इसलिए ईमानदारी से पढ़ो और क्लास को पूरा देखो। रोज़ मैं 45 मिनट से ज़्यादा क्लास पढ़ाता हूँ, 45 मिनट से बड़ी। उतना देर में अगर लगी भी है तो रोके रहो, जाना नहीं। लेकिन चलो, कह रहा कि उपयुक्त सर्वसमिकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। उपर्युक्त सर्वसमिकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। क्वेश्चन है 9x का स्क्वायर प्लस 6xy और प्लस y का स्क्वायर, ये आपका क्या है, क्वेश्चन है। सोनू कुशवाहा बच्चा पढ़ लो राजा पढ़ लो। देखो ये बच्चा कुछ अजीब टाइप का है, मतलब यहाँ बचवा दिया उसका बाप ढूंढना है। ये अमेरिका अमेरिका का हाल हो गई। अमेरिका में तुम्हें पता है 80% बच्चे बिना शादी पैदा होते हैं। उनको ये नहीं पता होता उनके पापा कौन है। मम्मी का पता होता है कि हाँ मम्मी है, लेकिन पापा का नहीं पता होता है। अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, जो और भी देश है, भारत देश में ऐसा गंदगी नहीं है। यहाँ पे तो कई स्तर पे जांच होती है, हाँ, होने के पहले भी होती है, होने के बाद भी। तो देखो मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि ये सर्वसमिका का विस्तृत फॉर्म पहले से दिया है, इसको सिकोड़ के उत्तर बताना है। मतलब समझ में आया कुछ, देखो मैं बताता हूँ। देखो इधर ये ऐसे दिया है, यक्स का स्क्वायर ये प्लस 2xy और प्लस y का स्क्वायर इक्वल यक्स प्लस y का होल स्क्वायर। यानी चचा हमें ये दिया है, पूरा बड़का वाला दिया, हमें ये बताना है। क्या समझ में आया तुम्हें, हमें ये बताना है, ये दिया है पूरा बड़ा वाला, समझ रहे हो ना। तो हमें क्या करना है, अब समझना है स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा दिमाग एक बित्ता आगे लगाना है, थोड़ा और आगे खिसका के समझो। देखो यहाँ पे यक्स स्क्वायर है ना, ये 9x का स्क्वायर है। तो बेटा ये बताओ, अगर मैं इसको 3x का स्क्वायर लिख दूँ तो क्या इसमें कोई बुराई है, बोलो। ये 9x का स्क्वायर को क्या मैं 3x का स्क्वायर लिख सकता हूँ? अगर लिख सकता हूँ तो आप लोग ईमानदारी से बताओ, हाँ आप लिख सकते हो, बोलो लिख सकता हूँ ना। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ, तो प्रॉब्लम किसको है फिर। ठीक है, मैंने लिख दिया। अब ये प्लस फार्मूला है, ये रियल वाला ओरिजिनल वाला है, ये 2x, यक्स की जगह पे बचवा हमारे में क्या है, ये चचा है, इनका रियल मान जो है 3x है, तो ये हो जाएगा 3x और इंटू वाई। वाई की जगह पे हमारे में क्या है, वाई ही है। ध्यान देना, ये थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगेगा इसमें, समझ में थोड़ा कम आएगा, थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगेगा, कम समझ में आएगा। लकी कुमार कुछ समझ में आ रहा है? देखो बच्चा, अगर समझना है बाबू तो क्लास को पूरा देखना। अगर बीच में तुम जुड़ गए धोखे से और भाग गए छोड़ के, तो फिर कुछ होने वाला है नहीं, हाँ कुछ हिलने वाला है नहीं, इसलिए समझो। ये x का मान हो गया, ये y तो चाचा खुद ही दिया है ओरिजिनल में, तो ये 3x प्लस y का होल स्क्वायर, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। या फिर इसे तुम ऐसे भी लिख सकते हो, 3x प्लस y और ये 3x माइनस y, नहीं नहीं प्लस दोनों रहेगा, यानी ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों लिख दोगे तो कोई किसी का माई का लाल गलत नहीं कर सकता। ऐसा मैं काहे बोला, क्योंकि दोनों सही है। ठीक है बच्चा, यानी ये भी सही है, ये ऊपर वाला भी सही है। ये थोड़ा सा और ज़्यादा चौड़े फॉर्म में लिख दिया गया ओपन करके, ये थोड़ा शॉर्टकट में था बस। गीता बंजारी समझ में आ रहा है भाई? ये बंजारे तो मैंने कहीं सुना था, ये कोई मूवी वूवी है का? बंजारे आजा तेरी बंजारन तुझे पुकारे। अल्ताप शाह भैया पढ़ लो बाबू। हाँ वैसे शाह जी ने पूरी देश को हिला के रख दिया है। चलो
तीसरा हो गया पंकज, नए हो बेटा, जो जो नए हैं ना उनको अभी अभी सरप्राइज मिलेगा, अभी वेलकम गिफ्ट मिलेगा। पहले क्लास को लाइक करो, तब जल्दी करो, देर ना करो। अगला क्वेश्चन देखो, ईमानदारी से देखो, देखो मगर प्यार से देखो, क्या कहता है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट कह रहा बेटा ये 4y का स्क्वायर, देखो यहाँ पर सिर्फ उत्तर नहीं लाना है चाचा, हाँ अगर सिर्फ उत्तर लाना है तो इनके कई तरीके हैं, तुम लगा सकते हो, लेकिन तुम्हारा तरीका गलत हो जाएगा परीक्षा के लिए, ये बात अपने दिमाग में रख लो। तो यहाँ पर तुम्हें जो क्लास 9th में NCERT में मेथड है उसी मेथड से लगाना है, समझ रहे हो ना भैया? यानी जैसे आलू का समोसा बनाना है तो उसको समोसा वाली विधि से ही बनाना है, यानी उबालना है, छीलना है, फोड़ फाड़ के, गूंज गांज के, मसाला हरदी मिर्चा गोबर माटी मिलाए के बनाने का है। ऐसा नहीं कि तुम कच्चा लाइक खाई जाओ, कह दो समोसा है, नहीं तरीका वही लगाना है, पेट दोनों से भर जाएगा, उससे भर जाएगा, उससे भी, हाँ पेट भर नहीं रहा, खाली हो रहा है चिल्ला चिल्ला के। हर्ष कुमार आर्मी लवर, पढ़ लो बाबू पढ़ लो, हीरो सनक का दिक्कत हो गए, दाँत वाँत निकाल रहा है, नाक वाक बह रही इसके। देखो ये x का स्क्वायर और ये 2, देखो यहाँ माइनस है तो माइनस वाला भी तो सूत्र होता है, ये माइनस 2xy और प्लस y का स्क्वायर, ये सूत्र होता है x माइनस y का होल स्क्वायर, बोलो ये होता है कि नहीं? अरे भाई जहाँ a² माइनस 2ab प्लस b² होता था, यहाँ पे x और y है, बस ab की जगह पे xy है, बाकी तो सब वही है ना, सब वही है ना, तो ये दिया है। तो ये बताओ हम 2y² अगर कर दें किसको, ये 4y² को, तो क्या इसमें किसी को कोई आपत्ति, कोई परेशानी नहीं ना, इसको करने में किसी को कोई समस्या नहीं, ठीक है। तो बेटा हम क्या करेंगे, 4y² को 2y² कर देंगे। अब तुम ध्यान दो, ध्यान दो, ऊपर बढ़ो, इसके बाद क्या करेंगे बाबू, देखो समझो, ये 2 तो ऐसे ही रहेगा सूत्र में है, इंटू यक्स, यक्स का मान अभी अभी ये मुझे मिला है, ये मैंने नया नया पाया है 2y, और y, भाई y मतलब b, b मतलब ये लास्ट वाला चाचा ना, अरे ये भी तो सूत्र तुम पढ़े हो, देखो कुछ ऐसे गधा हैं उनकी योजना ही समझ में आता है, देखो यार इन्हें वो चली गई, इनका भाई ने जाया करा, ले ये सूत्र पढ़े हो कि नहीं, ये सूत्र पढ़े हो ना, पढ़े हो ना, तो भैया हो ये हो जाएगा वाई की जगह पे वाई, तो फाइनल में क्या होगा, अभी देखो फाइनल हुआ ही नहीं तो होगा का, एक मिनट रुक जा, और फिर क्या है, वाई का स्क्वायर है ना, क्योंकि सूत्र में लास्ट में बी का स्क्वायर होता है, तो उसकी जगह पे तो कुछ रखोगे, वाई की जगह पे वाई का स्क्वायर, फाइनल में क्या हो जाएगा, देखो वाई तो रहेगा ही, ये एक्स की जगह पे 2y, एक्स की जगह पे 2y, तो बेटा ये हो जाएगा 2y और माइनस वाई का स्क्वायर, भाई भेजा हुआ है ये बोर्ड, सूखता ही नहीं है, पंखा भी नहीं चल रहा है तो कहाँ सूखेगा, नमी भी है, बारिश हो रही है, प्रयागराज डूब रहा है, डूब रहा है, डूबते को कोई सहारा नहीं दे रहा है यहाँ पे, ये आंसर हो जाएगा या फिर ये हो जाएगा, हाँ या फिर ये हो जाएगा, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, चाहे ये हो जाए चाहे ये हो जाए। भाई सुरेश भीलवाड़ा, एक ही बात को बार बार कमेंट ना करिए, हाँ समझ में आ रहा ना सुरेश भीलवाड़ा, बेटा तुम कभी क्लास में आए नहीं, हाँ और तुम्हें ये कैसे एहसास हो रहा है, भाई इनको परमानेंट के लिए होल्ड कर दो, ये चले जाएं लाइफ टाइम के लिए, वैसे तो मैंने कर दिया है। PVR स्टडी एडिटर भैया, आप कुछ काम वाम कर लो, आज कुछ नहीं करना है क्या, हाँ PVR स्टडी एडिटर, आपको कुछ काम वाम नहीं करना, आज यही करना है का, मजे ले रहे हो आके,
स्क्रीनशॉट ले लो, उत्तर हो गया, जल्दी करो सभी स्क्रीनशॉट ले लो तुरंत, देर ना करो, 5 घंटे ना लगाओ, और इस सेशन को लाइक करो, तुरंत करो, एक एक बच्चा करेगा लाइक, जल्दी करो। लाइट भी गई है, वैसे भी आत्मा जवाब दे रही है, गर्मी बहुत तेज लग रही है, भयानक। जल्दी करो सभी बच्चे, फटाफट क्लास को लाइक करो, बहुत जल्दी करो लाइक करो, तुरंत तुरंत लाइक करो, जल्दी करो, फटाफट करो, जल्दी जल्दी, सोने का नहीं। देखो जो सो रहे हैं ना, उनको मैं गिर्रा गिर्रा के आया अभी जाके, यहाँ पे हमारी क्लास चल रही है, यहाँ पे कुछ नालायक सो भी रहे हैं। देखो हो गया, सभी कर दिए, आगे बढ़े। अखंड प्रताप मिश्रा, ठीक है। देखो बच्चा सभी लाइक करो, देर ना करो, देखो टाइम वेस्ट ना करो, समय वेस्ट ना करो बच्चा, समय वेस्ट करोगे बच्चा तो फिर हो जाएगा गड़बड़। चलो इसको मैं मिटाया, इसको मैं मिटाया, ओके। चलो तो आपके क्वेश्चन नंबर 3 के जो है 2 पार्ट हो गए, तीसरे पार्ट पे हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा पार्ट देखो ध्यान से समझो, तीसरा पार्ट कह रहा बचवा बहुत ही आसान है, ये भीज गया मार्कर, इसलिए इसकी क्या बोलूं मैं इसको, नोक इसका भीगा हुआ है, चल नहीं रहा है, इसकी आत्मा जवाब दे रही चलने से, पंखा चलेगा ही नहीं, चलेगा का नहीं चलेगा, पंखा पंखी लाइट चली गई। देखो समझो तीसरा पार्ट क्या है, अब मुझे ये बताओ यक्ष का स्क्वायर ये ऐसे है, इसको कर लोगे कि नहीं, आप लोग कर लोगे, आगे कुछ करवाया जाए कि इसी में हम चलते रहें। हरिकेश बच्चा अभी तुम्हें मुसीबत आ गई, अभी तक सही था सब, कर लोगे ना भैया, इसको कर लेना, नहीं मैं बता ही देता हूँ, कुछ लोग मर रहे हैं यहाँ पे। हाँ चलो ठीक है, क्रिस तिवारी बच्चा पढ़ लो, नहीं पढ़ना है तो निकल लो यहाँ से, तुम्हारे जैसे लोगों की यहाँ ज़रूरत थोड़ा कम है, पढ़ना है तो पढ़ लो। ये वाई का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, इसे तुम क्या करोगे बच्चा, 100 को लिख सकते हो 10, 100 को क्या लिख सकते हो 10 का स्क्वायर, 100 को क्या लिख सकते हो 10 का स्क्वायर लिख सकते हो ना, तो लिख लो ठीक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे समझो तुम बच्चा, एक चीज़ समझो, उसे कुछ मत लिखो चाहे, हाँ ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बन रहा है, बोलो बन रहा है कि नहीं, बन रहा ना भैया। तो देखो अगर मैं सूत्र की बात करूँ तो यहाँ पे सूत्र देखो समझो, इसे मत लिखो कुछ ना करो, तुम ऐसे समझो, देखो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a प्लस b और a माइनस b, बोलो बन रहा है कि नहीं, मुझे जल्दी से बताओ सभी बच्चे यस या नो, ऐसा बन रहा है ना। मुझे बुक खोल लेने दो, अब एक्सरसाइज 2.5 है, कौन सा है एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 3 और 3 का 3 पार्ट है, जल्दी से इसको लिखो और इसको हम फार्मूले में रख के फाइनल में इसका उत्तर निकाल के पलट के देते हैं तुम्हें। चलो तो बच्चा देखो, अब हम ए की जगह पे ये जो दिया है इनको ऐसे कर देंगे, इनको तुम 1 लिख सकते हो नीचे, नहीं तो इनको थोड़ा सुंदर करने के लिए और ढंग से करने के लिए ऐसे कर लो, ये वाई अपान देखो 10 कर लेंगे इसको, जब स्क्वायर करेंगे तो आप सबको पता है कि 10 का स्क्वायर 100 हो जाता है ना, हो जाता है ना बच्चा, तो ये फाइनल में हो जाएगा a a की जगह पर x अपान 1 और प्लस b की जगह पे y अपान 10, और यही सेम टू सेम अगले कोष्ठक में हो जाएगा, बस आंसर हो गया फाइनल, लिख लो।
हर्षित सिंह बच्चा पढ़ाई कर लो, अगर तुम वीडियो डाउनलोड करोगे तो वैसे भी तुम्हें क्लास नहीं मिलेगी। हाँ, जितने भी वीडियो चाहे पुराने हैं चाहे नए हैं बेटा, अगर ऑनलाइन देखोगे तो सारे क्लास मिलेंगे, और तुम डाउनलोड करके क्या उखाड़ लोगे। हाँ, ऑनलाइन पढ़ो अच्छे से प्यार से, नई क्लास मिलती है बताओ, अगर से अलग से कुछ हेल्प मिल जाएगी। डेली रेगुलर टाइम पे आओ, बाद में डाउनलोड करके अगर देखोगे तो सारी क्लास नहीं मिलेगी, यहीं पे सुन लो, जितने तुम डाउनलोड कर लिए बस तुम्हें उतना ही मिलेगा। मिटा दें इसको, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, हो गया बच्चा, टाइम देखो ज़्यादा वेस्ट नहीं करने का, आगे बढ़ने का फटाफट फटाफट। तो फोर नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर। अच्छा सभी बच्चे मुझे ये बताओ कि आप एनसीईआरटी बुक लिए हो, एनसीईआरटी का किताब लिए हो। देखो कोई भी तुम किताब लियो, एनसीईआरटी है या नहीं है, ये बच्चा जो इसमें क्वेश्चन है और जो टाइप है तुमको सिर्फ वो सीखना है। तुम्हारी बुक कोई भी हो, अगर तुम वो टाइप और क्वेश्चन सीख लिए तो तुम सब कर सकते हो। हाँ, सब कर सकते हो। चलो क्वेश्चन चार पे, धीरज लिए हैं, प्रीति लिए हैं, हरिकेश, मीरा, अंकिता, अभिषेक, बादर, हर्षित, अंकुर, सब तो लिए हैं। चलो क्वेश्चन चार कह रहा कि उपर्युक्त तो सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए, मतलब इनको और चौड़ा बनाना है। x प्लस टू वाई प्लस फोर जेड, क्यों मत करो, प्लस फोर जेड इनका होल स्क्वायर। ठीक है बच्चा, इनका क्या करना है, हमें मान निकालना है। देखो लाइट बहुत बुरा कट रही है, लाइट बहुत बुरा कट रही है, एक मिनट मैं वो फ़ोन मंगा लेता हूँ, ये फ़ोन मंगा लेता हूँ, थोड़ा रुक जाए एक मिनट भाई, ये चार्ज नहीं है। वितेन फ़ोन लेके आओ, वाला कहाँ हो, दूसरा वाला मोबाइल लेके आओ, ये चार्ज नहीं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे समझो, फार्मूला इसमें लगाएंगे, एक मिनट इसको लगा देने दो भैया, चार्ज नहीं है। देखो बच्चा, कल मैं तुम्हें जब सर्वसमिका लिखवाया था तो कुछ बच्चे नहीं लिख रहे थे, उनको लग रहा था कि फर्जी ये लिखवा रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। तो कल मैं लिखवाया था x प्लस वाई प्लस जेड इसका होल स्क्वायर, बोलो लिखवाया था ना, इसका सूत्र था x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। मार्कर में थोड़ा स्याही डाल लेता हूँ, बहुत हल्का चल रहा है। इसके आगे तुम बताओ मुझे क्या है इसका सूत्र, जल्दी बताओ। हाँ जल्दी बताओ, सभी बच्चा बताओ, जल्दी बताओ बच्चा, चलो जल्दी बताओ। चलें आगे बढ़ें, चलो ठीक है, ओके। सरबेस एके, हमें पावर लगाना आ गया, नहीं नहीं अभी पावर लगाना नहीं आया, पावर लगाने के लिए पौवा लगाना पड़ता है। ब्रजेश कुमार दुबंसी आ गए हो, चलो अच्छी बात है, और बताओ हाल चाल ठीक है। हाँ घर ग्रहीन पे है, कहीं गया तो नहीं ना। चलो तो बच्चा ये इतना हो गया, इसके आगे जगह तो दिख रही ना तुम्हें, ये होगा 2ab यानी 2xy प्लस 2yz और प्लस 2zx। एक बार फिर से सुन लो, जिनको कम दिख रहा है वो सुन लें, कुछ लोग होता है उन्हें कम दिखता है, कुछ लोग को होता है कम सुनाई पड़ता है। तो बच्चा सुन लो, ये x का स्क्वायर है प्लस ये y का स्क्वायर है और ये z का स्क्वायर है और ये 2xy 2yz। देखो चाचा ये z है ना, इसको दो समझ लो, अरे जेड फाट जेबरा, जेबरा मतलब चिट्ठीदार गधा, हम लोग यही पढ़े थे, ये 2zx। ठीक है चलो, अब इनके सारे मान हम इसी में ला ला के पटक देंगे और उत्तर आ जाएगा। तो
तो यक्स की जगह पे बेटा यहाँ पे देखो यक्स है, यक्स का स्क्वायर हो जाएगा वाई स्क्वायर, वाई की जगह पे देखो दो वाई है, यहाँ से मिलाओ वाई की जगह पे दो वाई है, तो ये दो वाई का स्क्वायर। जेड का स्क्वायर देखो बेटा यहाँ से जेड, जेड की जगह पे फोर जेड है, तो ये फोर जेड का स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई। एक्स का मान क्या है देखो, कुछ अच्छा लोग कन्फ्यूज हैं तो वो लिख लें, यक्स का मान यक्स है बेटा, वाई का मान टू आई है, जेड का मान फोर जेड है, यहाँ से कंपेयर कर लो, ठीक है। जैस बच्चा ये तुम क्या पी पी लिख रहा है इतना देर से, हाँ चलो यक्स का मान रख दो भैया यक्स है, वाई का मान रख दो बच्चा वाई का मान टू आई है, प्लस अब आगे बढ़ते चलो, मैंने इसमें दो एक्स वाई में मान रख दिया, अब हमें रखना है दो वाई जेड में मान, तो दो और वाई, वाई का मान दो वाई है, जेड, जेड का मान क्या है बच्चा फोर जेड है। उधर साइड में मुझे लग रहा है कट रहा है ना, थोड़ा मुझे इसी में एडजस्ट करना पड़ेगा, साकेते में संध्यान रुक जा, ये फोर जेड बस अभी पूरा नहीं हुआ, ध्यान देना, मैंने यक्स स्क्वायर का रखा, इसका रखा, इसका रखा और इसका रखा, इसका भी रखा, लेकिन ये चच्चा अब वैसे बचा है, इनका नहीं रखा हूँ, तो इनका मान नीचे रख दूंगा, टू जेड, जेड का मान बेटा फोर जेड है, और यक्स यक्स की जगह पे यक्स है, बस इतना ही था। देखो थोड़ा दिमाग इसमें एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं है, और परीक्षा में अक्सर आपके नाइन्थ में हो तो पूछा जाता है, तुम्हारी बुद्धि देखी जाती है कि भैंसे चराने लायक किया है कि कुछ और करे लायक। सर्वेश बच्चा पढ़ लो, नहीं खुशी अभी जो ढूंढ रहे हो ना, ये खुशी बाद में ढूंढने ना मिलेगी, और समझ रहे हो ना, पढ़ लो, इसलिए अच्छा रहेगा, पढ़ लो। चलो अब क्या करना है समझो, अब इसको मैं थोड़ा और इधर खींचूंगा, क्योंकि मुझे वहाँ उधर साइड में जगह नहीं है, तो मैं इसको कोशिश करूँगा यहाँ से लिखूँगा। यक्स का स्क्वायर, तो बच्चा यक्स का स्क्वायर करोगे तो ये यक्स का स्क्वायर ही रहेगा, ये दो वाई का स्क्वायर करोगे बेटा तो ये हो जाएगा तुम्हारा चार वाई का स्क्वायर, चार जेड का स्क्वायर तुम करोगे तो ये हो जाएगा सोलह जेड का स्क्वायर, और प्लस इतने में किसी को कोई समस्या है तो बता दो। अब बच्चा देखो इनका गुणा करोगे तो दो दूना ये हो जाएगा चार, तो ये चार यक्स वाई, और प्लस समझते चलो, एक एक पॉइंट दिमाग में घुसाते चलो, एक एक, यहाँ तक हो गया बेटा यहाँ तक। अब ये दादा बचा है दो दूना चार और चार चौक सोलह, ये हो जाएगा सोलह वाई जेड, समझते चलो एक एक, मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा चमक हो गई, हाँ इसमें दूसरा कोनो मेथड नहीं ना, इसमें कोई दूसरा मेथड नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, ये कंपटीशन का परीक्षा नहीं है बेटा, ठीक है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है जो तुम कर लो ना। चलो चलो चलो, चमक थोड़ा कम करने गया था मैं, तो ये 16 हो गया, नीचे वाले में आ जाओ, दो चौक आठ, आठ जेड एक्स, ये बेटा फाइनल में तुम्हारा आंसर हो गया, इसको मैं उधर से इसलिए बंद कर दिया कि उसमें ना मिल जाए ऊपर वाले में, ये आंसर हो गया। ज्योति सिंगरौल, गीता बंजारे, हर्ष भैया क्लास को सभी जल्दी से लाइक कर दो बाबू, और जितने भी साथी चैनल नहीं सब्सक्राइब करें वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि वो रोज़ क्लास ले पाएँ, हर दिन बिल्कुल फ्री क्लास होती है यूट्यूब पर। देखो बेटा हमारी कोशिश होती है कमज़ोर से कमज़ोर बच्चों को भी आए, इसलिए हम चीज़ों को थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं, अगर तुम्हें बुरा लगेगा तो बता देना, हम डिस्क्राइब ना करेंगे, हाँ अगर तुम्हें बुरा लगेगा, चोट लगेगी कि नहीं नहीं ऐसा नहीं सही है, डिस्क्राइब ना करो तो हम ना करेंगे। चलो आगे बढ़ें, स्क्रीनशॉट ले लो भैया, फोटो तो खींच लो कम से कम हमारी।
चलें आगे चलें। चलो एक मिनट, आधा मिनट रुक जा। चलो जल्दी से लाइक करो भाई, ऐसे मजा नहीं आ रही। देखो यार, तुम लोग मेरी बात नहीं सुनते हो ना, तो मुझे बहुत तेज गुस्सा लगती, क्योंकि तुम लोग ना हमारे बहुत बड़े खिलाड़ी हो। मतलब तुम्ही लोग के लिए मैंने सारी क्लास फ्री कर दिया यूट्यूब पे। बाकी देखो, नाइन्थ के अलावा मैं कोई फ्री क्लास पढ़ाता हूँ यूट्यूब पे? अगर नाइन्थ का छोड़ दो, बाकी टेंथ का एक क्लास, इसके अलावा देखो बेसिक मैथ था, सी टेट था, सुपर टेट था, जो भी था, डीएलएड वीएलएड कहाँ पढ़ाते हैं? सब एप्लीकेशन में चलने लगी पेमेंट के बाद, फ्री का कुछ नहीं। सिर्फ नाइन टेंथ का है, क्योंकि नाइन टेंथ के बच्चे हमारी बात मानते हैं। मैं बोलता हूँ बट्टा शेयर करो, तो वो बगल वाली आंटी को भी शेयर कर देते हैं। हाँ, और बाकी जो सी टेट सुपर टेट वाले खुद आंटी अंकल हो गए, उन्हें बड़ी शर्म आती है, वो नहीं करते। तो हमने कहा आप एप्लीकेशन में पढ़ो प्राइवेसी के साथ, कोई ना जाने तुम्हें। हाँ चलो, हाँ तो ठीक है, अगला क्वेश्चन उतारने दो भैया, देखने दो कहाँ गया। एक में इतना दिमाग का दही बन गया। सेकेंड पार्ट देखो, 2x - y + z इसका होल स्क्वायर। देखो यहाँ ध्यान देना, ये z है और मुझसे ये दो जैसे बन जाता है। जेड फार जेब्रा, जेब्रा मतलब चिट्ठीदार गधा। समझ रहे हो ना? चलो अब देखो, ये हो गया। अब बच्चा इसी में लला के मान रखना है राजा। चलो ये सूत्र होता है ना, x + y + z का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, 2xy 2yz और प्लस 2zx। देखो मैं मुंह से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो, ये 2 है, ये z है, इसको मुझे बार बार जेड बताना पड़ता है। अबे ससुरा सीधा सीधा बन जाना। चलो मिस्टर यस दुबे, ठीक है, यस बहुत अच्छे, आप ही के जैसे बच्चे तो मैं ढूंढ रहा था। जैसे मैंने पहला बताया वैसे मान रख के कौन कौन कर लेगा, मुझे जल्दी बताओ। जैसे मैं पहला बताया था वैसे मान रख के क्या आप कर लोगे इसे? जल्दी बोलो, यस कर लोगे भाई? कर लो ना यार, क्यों मुझे परेशान करते हो? कर लो सभी। हाँ फिर क्लास बंद करा जाए, बहुत लेट हो रहा है ना। सभी बच्चे एक चीज़ सुनो यहाँ पे, अगर आप डेली फ्री क्लास पढ़ना चाहते हो और नोट्स पाना चाहते हो, साइंस वगैरह का पीडीएफ भी मिलता है, तो पीवीआर स्टडी का टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लो बच्चा। मतलब पीवीआर स्टडी का टेलीग्राम चैनल अगर तुम ज्वाइन करते हो, तो तुम्हें जितनी क्लास पीछे की हुई है सारी लिंक उसमें भेजी गई है, तुम कर लोगे, मिल जाएगा जितनी आज तक चली है। आज ही आपका 23 नंबर क्लास है बेटा, इसके पहले की जो 22 क्लास है वो सारी क्लास इस टेलीग्राम चैनल पे भेजी गई है। टेलीग्राम चैनल जैसे फेसबुक पेज होता है या यूट्यूब पर हमारा चैनल है, उस तरह से टेलीग्राम भी एक चैनल होता है। टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप के ग्रुप से बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि व्हाट्सएप का ग्रुप कोई व्हाट्सएप पे सर्च करके नहीं पा सकता है, लेकिन टेलीग्राम चैनल कोई भी पूरे विश्व में कहीं से भी टेलीग्राम पे सर्च करके पा सकता है। टेलीग्राम में लाखों लोग नहीं, मिलियन लोग जोड़े जा सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में मात्र 256। व्हाट्सएप ग्रुप में कितने? मात्र 256। तो बेटा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। अगर तुम्हें नहीं पता कि टेलीग्राम क्या है, टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करते हैं, इसका क्या फ़ायदा है, तो तुम YouTube पे सर्च करो PVR स्टडी टेलीग्राम YouTube पर, लेकिन दोनों वर्ड बोलना या लिखना, PVR स्टडी टेलीग्राम या टेलीग्राम PVR स्टडी। तुम्हें ऊपर से एक वीडियो मिल जाएगा सबसे ऊपर, जो उसमें लिखा होगा टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करें, हमारी एक फ़ोटो लगी होगी, थोड़ा काला काला होगा, उसे देख लेना, ठीक है।